Hello everyone, this is Sumit Kumar. In this video, I'm going to talk about MSc from NITs and other central universities. हुआ क्या है, लगभग रिसेंटली लगभग 7-8 दिनों से इतने मैसेजेस आए हैं कि सर NITs की काउंसलिंग करो, ये करो, वो करो. तो मुझे लगा कि चलो मैं कुछ आप लोगों के चेहरे पर स्माइल ले आऊँ थ्रू दिस वीडियो. तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है? तो आप इसको अंत तक देखिएगा, शायद आपको कुछ फ़ायदा हो जाए. ओके, लुक, हमने लगभग NITs को विज़िट करा और पर्सनली मेरा ये फील है कि लगभग NITs सभी अच्छे हैं. देखो, मैं कोई नहीं होता कि किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में ये बोलने वाला कि NIT नंबर वन है, ये NIT नंबर टू है, कि मैं शायद उस लायक क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मैं ये बोल सकूँ, ठीक है? वहाँ के भी टीचर बहुत ही मेहनती होते हैं, ठीक है? तो डिपेंड ये करता है कि आप मेहनती हो कि नहीं हो. अगर आप मेहनती हो, डेफिनेटली आप इंजॉय करोगे वहाँ पे जाके, आपको उस टाइप का गाइडेंस मिलेगा. और इनफैक्ट वहाँ से जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, वहाँ से जिन्होंने MSc कंप्लीट करी है, कुछ कुछ हमारे पास उन्होंने नेट के क्लासेस भी करी थी, हमने भी उनसे बातचीत करी है और बहुत ही अच्छा फीडबैक आया है कि नहीं सर, बहुत मेहनत करते हैं टीचर और हम लोग के पीछे लगते हैं, समय देते हैं. तो बस अगर कुछ कमी है तो हमारे पीछे कमी है, तो ऐसा हमें मिला है. तो डेफिनेटली तो आप आँख बंद करके जा सकते हैं NITs जो आपको अच्छा लगता है. तो जो आपके नज़र में अच्छा है वही नंबर वन है, करेक्ट है? अब आपके नज़र में कौन सा अच्छा हो सकता है, ये आपके टेस्ट पे निर्भर करता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको मैथमेटिक्स में क्या अच्छी लगती है, करेक्ट है? वो आपको अपने आप से पूछना होगा एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट यू शुड डिसाइड कि किस NIT XYZ में मुझे जाना है. और मुझे पता है वो डिसीजन आप बहुत अच्छे से लोगे. तो आप एक भेड़ चाल को फॉलो मत करना कि ये बच्चे, ये रैंकर वाले बच्चे इस NIT में जा रहे हैं तो मैं भी जाऊँगा और मैं तोड़ दूंगा, ऐसा नहीं. आप अपना टेस्ट को फॉलो करो, आपको क्या अच्छा लगता है, अकॉर्डिंग टू दैट यू शुड गो देयर एंड फोड़ दो जाके, ये ज़रूरी है. ओके, एंड सेकेंड थिंग, अदर देन NITs देर आर अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में बहुत सारे नए खुले हैं वो, फिर आपके DU हो गए, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गए, BHUs हो गए, और बहुत सारे ऐसे हैं, है ना, जहाँ से आप अच्छी MSc कर सकते हो. इनका भी नाम बहुत अच्छा है और यहाँ पर भी टीचर और स्टूडेंट बहुत अच्छा मिल के मेहनत करते हैं, ठीक है? तो स्टिल अभी भी आप ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है और आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो, ठीक है? तो बी पॉजिटिव एंड अपने डिसीजन को एक सोच समझ के लेना. बहुत लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप से पूछो आपको क्या अच्छा लगता है. अब मुझे पता है आपको बहुत सारी मैथमेटिक्स में चीज़ें अच्छी लगती हैं और उसको लेके थोड़े बहुत आप चिंतित हो, ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है. बहुत अच्छी जगह पर आप जाओगे और वहाँ बहुत अच्छा आप काम करोगे, ऐसा मुझे उम्मीद है आपसे. ओके, एंड सेकेंड थिंग विच आई वॉन्ट टू कॉमेंट इज कि देखो, अभी आप लोगों में जिनकी IIT जैम में रैंक बहुत अच्छी आई है और आप इंटरव्यू की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो, डेफिनेटली शुड कम. वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इंटरव्यू बैच फॉर अदर ISERS एंड ISE बैंगलोर. तो अगर आपको वो चीज़ का इंटरेस्ट है, डेफिनेटली शुड कम. एंड शॉर्टली इन दिस 7th of April और 11th of April से हम लोग ये चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ISERS और ISE वगैरह के PhD, इंटीग्रेटेड PhD के इंटरव्यूज़ के संबंध में, वहाँ से MSc करने के संबंध में, डेफिनेटली शुड कम. और अगर और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के MSc के एग्ज़ाम को अगर आप देना चाहते हो बट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत डर है कि थोड़ा सा और मैं प्रिपेयर करता तो अच्छा हो जाता, डेफिनेटली शुड कम. और हम लोग मिलके उसमें एक दो महीने में मेहनत करेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम ना क्लियर हो जाए और हम लोग अच्छे से उसको पास करेंगे. ऐसा हम लोग मेहनत करेंगे ताकि आपका अच्छा हो, करेक्ट है? तो दोनों ही ऑप्शंस आपके पास हैं, आप अपना सोच समझ के अपना डिसीजन लेना. हर डिसीजन में मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मेरे लिए कोई भी जिम्मेदारी होगी आप ज़रूर बताना. ओके, सो बी पॉजिटिव. ओके, एंड See you soon and best of luck.